पूर्व रेलवे कोलकाता के महाप्रबंधक हरेंद्र राव ने गुरुवार को जमालपुर स्टेशन पहुंचकर CRRI मशीन का उद्घाटन किया। पूर्व रेलवे मालदा मंडल के पहले सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को ऐतिहासिक बताते हुए पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हरेंद्र राव ने बताया कि जो काम 240 घंटों के लिए निर्धारित किया गया था उसे रेल कर्मचारियों ने केवल 107 घंटे में पूरा कर एक इतिहास बना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 29 सितंबर से इस रूट से सभी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सन्मार्ग के लिए जमालपुर से प्रिंस दिलकुश की रिपोर्ट। उस दिन तो हम आज से चलाएंगे, लेकिन चूंकि उसका नोटिफिकेशन हो गया है और इसके साथ ही चूंकि 10 दिन हमारा बंद था, उसके साथ ही हम लोगों ने ये कुछ और काम सेफ्टी के लिए हुए जो डिवीजन को करने वो चल रहे हैं। तो चूंकि जो ट्रेनें चलनी थी वो तो ऑलरेडी निकल चुकी हैं अपने डेस्टिनेशन, उसको हम चेंज नहीं करते। 29th मॉर्निंग्स एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। 2 साल 6 महीने के अंदर इतने बड़े RRI को कमीशन करना, हमारे लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और पूरे भारतीय रेल में ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसमें करीब हम लोगों ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बिल्डिंग पॉइंट्स, इंजीनियरिंग, ट्रैक, सिग्नलिंग सब मिलाकर। हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की लेंथ बढ़ गई, इस पर हम 24 कोच की ट्रेन भी अब ले सकते हैं, पहले नहीं ले पाते थे, केवल एक पे लेते थे, एक नंबर। 2 नंबर जो है OC साइडिंग है, वो भी 6 कोच और बढ़ गया। तीसरी चीज़ ARTC है और इस बार जो हमारी ARTC वगैरह जो है वो हमारी डबल एग्जिट हो गई, पहले एक ही तरफ से एग्जिट था। जो गुड सेट है, गुड सेट में हमको जो है फुल गुड सेट हम 2 स्पर में डील कर लेंगे, पहले 4 स्पर में करना पड़ता था। एक लाइन हम लोगों ने मार्शलिंग यार्ड में ऐड कर दी है, बढ़ा है। चौथी चीज़ जो सबसे जो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे डायमंड क्रॉसिंग थे जो कि सबसे ज़्यादा सेफ्टी को हैम्पर करते हैं, दे हैव बीन रिमूव्ड। जो गुड्स ट्रेन की मार्शलिंग लाइन हमारी है वो पहले इंटरलॉक नहीं थी, अभी ऑल द लाइन्स आर इंटरलॉक। इट मीन्स सेफ्टी हैज बिकम द प्राइम फैक्टर, वो काफ़ी सेफ हो जाएगा। इन सब कार्यों के करने से हमें जो फ़ायदा हुआ है वो जनरल पब्लिक को, सबसे पहले तो जो हम 1, 2, 3 पे जो ट्रेनें फुल लेंथ ले सकते हैं तो हमारा जो डिटेंशन आउटसाइड होता था वो घट जाएगा, एक नंबर। इंटरलॉकिंग होने से, सभी पॉइंट के डायमंड रिमूव होने से सभी हमारी सेफ्टी ऑफ द ट्रेन्स हैज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स। और जो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग था जिसमें कि प्रॉब्लम ज़्यादा मेंटेनेंस की, फेल्योर की होती थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होने के वजह से, RRI होने की वजह से, उसमें जो रिलायबिलिटी आप कह लो, सिग्नल की जो रिलायबिलिटी है वो भी हमारी काफ़ी इम्प्रूव कर गई है। तो और पैसेंजर को जो जो गुड्स की अगर हम बात करें उसमें भी हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। हम ट्रेनों का परिचालन अब ज़्यादा आसान तरीकों से कर सकते हैं। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।